वी वर स्टार्टिंग क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट में हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कर लिया था लास्ट वीडियो में, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 8.3 नंबर 4th। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4th। We have already done till here, till question number 3rd, and question number 4, some parts of question number 4th also done. Till here we did yesterday. So now today we will start from this 7th part of question. So let's start. चालू करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। भी नोटपैड पे ही करेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन उतार देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नोट डाउन कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4th 7th पार्ट, ठीक है। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, जो पावर 3 होती है उसे हम क्यूब कहते हैं, जो पावर 3 होती है इसको हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसे, वहीं पे करेंगे नोट पैड पे, आप ही करेंगे। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 7.1। 6th तक कल के वीडियो में कर लिया था, आज हम करेंगे 7th। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा मतलब ये पूरा इसके इक्वल प्रूव करो, ये अपना कहलाता है एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट में है, ये कहलाता है आर एच एस राइट हैंड साइड। अब देखो यहाँ पे टेन, मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि साइन और कॉस की टर्म में इसको मतलब कन्वर्ट कर लो, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस के टर्म में है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है टेन थीटा, तो हमें क्या बनाना है, टेन थीटा बनाना है हमें। तो टेन थीटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें या तो हम कॉस से डिवाइड करेंगे नीचे, ठीक है। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये अपना एल एच एस आ गया यहाँ पे, ये इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे या तो दो चीज कर सकते हैं, या तो हम कॉस से डिवाइड कर ले, या फिर क्या कर ले हम यहाँ से साइन थीटा को हम बाहर निकालेंगे और यहाँ से कॉस थीटा को बाहर निकालेंगे, तो ये टेन थीटा अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन भी है ना, एक बार बाहर निकाल लें, न्यूमिरेटर में से तो हम साइन थीटा को बाहर निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर में कॉमन है, देखो ये यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बाहर निकाल लो एक बार तो, ठीक है। और कॉस थीटा को नीचे से कॉस थीटा को बाहर निकाल लेंगे, तो एक बार इतना कर लेते हैं पहले। ये देखो साइन थीटा इधर भी है, साइन थीटा इधर भी है, क्यूब का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तीन बार है क्यूब का मतलब ये होता है। तो साइन थीटा में कॉमन ले रही हूँ, न्यूमिरेटर में से हम साइन थीटा क्या ले लेंगे, कॉमन बाहर निकालेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वन, इस साइन थीटा को मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ वन बचेगा ना, वन बचेगा माइनस माइनस टू साइन का क्यूब थीटा है ना, तो यहाँ साइन का स्क्वायर बच जाएगा ना, एक साइन तो बाहर निकाल लिया हमने तो स्क्वायर बच जाएगा यहाँ। सिमिलरली यहाँ से हम कॉस थीटा को बाहर निकालेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा टू कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे वन बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो जीरो मत लिख देना, यहाँ वन बचता है। अगर आप कॉस थीटा बाहर ले लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे वन बचेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बच रहा है, ऐसे मत कर देना, तो ठीक है। तो अब ये जो साइन का स्क्वायर थीटा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ एक बार, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इससे कैंसिल करना है अपन को, इसलिए, ठीक है। इसके जैसा बनाना है, कैंसिल करना है इन दोनों को, क्या है कैंसिल करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो करते हैं इसको कैंसिल करने के लिए, देखो ये इधर तो साइन है यहाँ कॉस है, तो या तो इसको बना लो या इसको, इसको बना लेते हैं ऊपर वाले को। देखो यहाँ फॉर्मूला लिख लू मैं वापस से एक बार,
फॉर्मूला लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपना होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेजूंगी तो ये यहाँ पे तो प्लस में है, इधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं इसको भी। यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। और ऐसा क्यों किया है अपने, नीचे वाले के इक्वल बनाने के लिए। यहाँ पे एज इट इज लिख दो कॉस थीटा, लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का। ठीक है, इन दोनों को क्या बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए हमने ऐसा करा। अब और सिंपलीफाई कर ऊपर वाले को, साइन थीटा, अब देखो यहाँ पे ये 1 तो एज इट इज लिखना है, ठीक है, ये माइनस ऐसे कैसे लिख दो, माइनस ऐसे कैसा। अब ये ब्रैकेट ओपन करना है तो 2 1 जा यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 यहाँ पे कॉस का स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस 2, पहले नीचे वाला लिख दो, रुको, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो पहले, कॉस थीटा 2 कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस का। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा को अपन ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये नीचे वाले के इक्वल बन जाए, ये दोनों आपस में कट जाए, तो साइन अपॉन कॉस टेन के इक्वल आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये इतना हो गया, अब आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ करते हैं उसके आगे करते हैं। यहाँ पे लिख दो साइन थीटा एज इट इज, ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 1 माइनस 2, माइनस करना है मतलब, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1। तो मैं इसको 2, इसको तो पहले लिख देती हूँ, 2 कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो जो बड़ा होता है ना, 2 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है हमेशा, तो -1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ नीचे आ जाएगा cos थीटा 2 cos का स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है, पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, 8th पार्ट। पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th का 8th पार्ट। नंबर 4th 8th पार्ट, एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ पहले। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, चलो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ये टाइम होने वाला है ना, नेक्स्ट में करेंगे। इस वीडियो में बस ये एक ही पार्ट सॉल्व किया हमने, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला पार्ट 8th 9th 10th, ये तीनों के तीनों पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।